कर को पड़े बाबू आदमी तो हमेशा आगे रहते ए काला कपड़ा नहीं है तो भाई नहीं पड़े बाबू लीटर का छपड़ा का तो हमें चाहिए दूसरा कपड़े का नहीं पड़ता है कुत्ते का क्या ओ मिलेगा ना और जो इन्होंने थॉट लिया है इसमें टायर जा रहा खुला और कटू हुई खोल दरवाजा खोल खोल गए खोल के खोल बस वेरी नाइस अरे ती जल्दी बुला लो यार अरे ऐसे दिख नहीं रहा आ जाओ ज्योति के पास तो दुपट्टा भी नहीं है वो भी नहीं दिख रहा आ जाओ विशाल सर की जरूरत नहीं है ओके टंडन यहाँ तक आया नजदीक आना रोलिंग एक्शन मुन्ना जंप बस ब्रेक रोल कर जंप जा आप देखना उससे स्पीड में होगा मैं अभी इधर ठीक ठाक ही कर रहा हूं शॉट ही जाना तो भक्ति इनको ऐसा लगता है वो शॉट ही जाना हां गाड़ी का बाइक जैसे गिरा ए इधर दो आदमी आ जाओ दो से नहीं होगा मनोज आगे तक उसको मोंटी तो इसी बचा कर बंदा ने गिरा तो बीच में से चला गया अब ये कहां तक अरे आइए भाई सर आप थोड़ा पीछे हो जाओ मैं यहां पे बैठूं ये बंदा लग गया हां जाएगा सेटिंग हां आपके साथ हां आ गए आ स
रोकेगा कैसे ना? इसको थोड़ा दबाओ ना, इन दो इतना ये मिल जाएगा ना। वहाँ जाके बीच में खड़े हो जा, कुछ भी हो जाए तुम भी जाके जा। एक बाइक के ले एसएल, एसएल बाइक के ले, नहीं खींचो मत, खींचो मत। और रुक, दोनों लोग दे किसान लोग के Yep. Done. कहा था नहीं ना जैसी करनी कोई साफ सब हाथ हुआ चले एक्शन एक्शन कदमों में खींच दो पहले। मैडम सही था, नहीं गिरा, खड़ा रह गया गाड़ी तुम्हें। ये आज का नजारा देखकर तो मतलब फैंस चौंकने वाले हैं, ये क्या चल रहा है? गाड़ी से फेंका जा रहा है, आपको किडनैप किया जा रहा है, क्या चल रहा है? वेल, कहा जाता है कि इंसान प्यार में क्या क्या नहीं करता, यहाँ पे इंसान प्यार में पागल हो गया है। जैसे आप देखिए हैवी लव स्टोरी, पर यहाँ पर ज्योति और डॉक्टर की लव स्टोरी चल रही है, जहाँ पर ज्योति को पता है कि बाऊजी अब जो बिट्टू के लिए मान गए थे, अब वो डॉक्टर के लिए कैसे मानेंगे, क्योंकि एक ही लड़की की ज़िंदगी में दो दो लड़के होना काफ़ी, वो भी बाऊजी के औरा में, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ज्योति को ये पता है कि मानने वाले हैं नहीं, तो वो आ जाती है, मुझे मेरे गले पर चाकू लेके सीधे मुझे किडनैप कर लेती कि अब मैं मुन्नी को लेकर जाऊंगी तो शायद बाबूजी वो लोग मान जाएंगे और ये लोग मेरे कंधे पे बंदूक रखकर भाग सकते हैं। तो बीच में अब क्योंकि ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुझे तो लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं कबाब में हड्डी बन जाऊँगी, तो इन्होंने मुझे रास्ते में फेंक दिया। बट एज़ यूजुअल बिट्टू मुझे बचाने के लिए आया हुआ, और मैं भी ये होप कर रही थी कि कहीं ना कहीं से कोई मुझे बचाने के लिए आ जाए। तो जैसे मैं रोल कर रही हूँ, बिट्टू मुझे बचाने के लिए आया हुआ है। और वैसे मैं आउटडोर बहुत इन्जॉय कर रही हूँ फ़िलहाल, आज काफ़ी प्लेजेंट है, इतनी धूप नहीं है जितनी दिल्ली होती है, तो आई एम इन्जॉइंग द आउटडोर शूट टुडे। अच्छा, लास्ट बस खाली ये जाना चाहेंगे कि जहाँ पर ज्योति ने यहाँ पर अपना विलेनियस अंदाज दिखाया, वहीं पर एकदम हीरो वाले अंदाज में आपको बचाने के लिए बिट्टू आया है जी, कैसा लगा आपको उनका वो अंदाज? मैं वही देख रही थी एक्चुअली, कैसे वो बाइक छोड़कर एकदम कूदा है और बिल्कुल बचाने के लिए आ गया है, तो मुझे लगा चलो कम से कम कोई तो बचाने के लिए आया है, और बिट्टू बचाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि वो भी एकदम फुल जोश में आया था कि मैं मुन्नी को खरोच तक नहीं आने दूंगा, तो वो बस बचाने आ गया, तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि हाँ फाइनली सेव्ड माई लाइफ। एक सवाल किया,